dear students i hope you all are fine and enjoying good health this is english class for grade 5 and the topic is adjectives and its types let's discuss about adjectives adjectives are the words that describe the quality of a noun Adjective ka hum kisi चीज की क्वालिटी के बारे में बता सकते हैं प्यारे बच्चों ये सब चीजें नाउन के लाती है सो हम ये कह सकते हैं कि द क्वालिटी ऑफ अ नाउ नाउ लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ एजेक्टिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हुए हम किसी चीज के कलर के बारे में बता सकते हैं कि उसका कलर क्या है इसके साथ ही हम किसी चीज की क्वालिटी के बारे में बता सकते हैं साथ ही हम ये भी बता सकते हैं कि किसी चीज का साइज कैसा है प्यारे बच्चों एजेटिक का इस्तेमाल करते हुए हम ओरिजिन के बारे में भी बता सकते हैं कि चीजों का ताल्लुक कहाँ से है या किसी शख्स का ताल्लुक कहाँ से है इसके साथ ही हम शेप के बारे में भी बता सकते हैं कि वो शेप में कैसी हैं, और साथ ही हम ये भी बता सकते हैं कि वो क्वांटिटी में कितनी है Now let's discuss some examples. She bought a red dress. इस जुमले में loves red हमें dress के कलर के बारे में बताता है Ali is an honest boy. In this sentence, the word honest is telling us about the quality of the boy. They live in a big house. इस जुमले में loves big से हमें house के size के बारे में पता चलता है माह इज अ पाकिस्तानी गर्ल हेयर द वर्ड पाकिस्तानी इज टेलिंग अबाउट द ओरिजन ऑफ द गर्ल दे है राउंड डाइनिंग टेबल इस जुमले में लवस राउंड से हमें टेबल की शेप के बारे में पता चलता है देयर आर मैनी ट्रीज इन द गार्डन इस जुमले में लव्स मैनी से हमें पता चलता है की गार्डन में कितने ट्रीज है सो द वर्ड मैनी इज टेलिंग अबाउट द क्वान्टिटी

एजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में लिखेंगे बिकॉज इट इज अ क्वालिटी प्यारे बच्चों आज के लेसन में हमने एजेक्टिव के बारे में पढ़ा एजेक्टिव आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इसके साथ हमने एजेक्टिव की टाइप्स के बारे में भी पढ़ा जो ये हैं कलर क्वालिटी साइज ओरिजन शेप एंड क्वांटिटी आई होप यू एंजॉय टूडेज लेसन अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज